हर हर महादेव दोस्तों, आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हिमाचल फुल नॉलेज में। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको साइबर क्राइम्स के लिए और जो साइबर स्कैम्स हो रहे हैं उनके लिए अवेयर कर रहा था, तो इसी कड़ी में मुझे एक साइबर डाइजेस्ट मिली है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च की है और ये प्रिपेयर की हुई है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने, और ये अभी 24 जनवरी 2024 को रिलीज हुई है। तो इसमें मैं आपको मेन हेडिंग्स बताऊंगा, जो जो मेन न्यूज़ हुई हैं पिछले बीते साल में भारत में साइबर क्राइम्स की। तो पहली थी, स्पेशल टास्क फोर्स ऑफ वेस्ट बंगाल अरेस्टेड 9 पर्सन फॉर सेलिंग व्हाट्सएप OTPs टू द साइबर फ्रॉडस्टर। और सेकंड है, पुलिस वार्न रेजिडेंट्स ऑफ न्यू काइंड ऑफ फिशिंग यूजिंग कुरियर थ्रेट्स ऑन द प्रो। थर्ड है, ₹1.36 करोड़ रिकवर्ड फ्रॉम ऑनलाइन फ्रॉडस्टर इन पुडुचेरी। फोर्थ है, गुजरात पुलिस बस्ट ऐप बेस्ड गैम्बलर्स फ्रॉम अहमदाबाद। फिफ्थ है, MBVV क्राइम साइबर क्राइम यूनिट रिकवर ₹8.37 करोड़ लॉस बाय विक्टम्स टू साइबर फ्रॉड्स। सिक्स्थ है, वुमेन गेट स्कैम्स ओवर ₹5 लाख ड्यू टू सिंपल गूगल सर्च टू हेल्ड इन झारखंड। सेवन्थ है, ए मार्केटिंग मैनेजर डोप्ड अप ₹3 लाख इन ऑनलाइन टास्क फ्रॉड। और एट्थ है, अश्लील वीडियो के नाम पर साइबर ठगों ने बुजुर्ग को लगाया ₹37 लाख का चूना। 8 आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार। और लास्ट है नाइन्थ, साइबर क्राइम सेल ने पीड़ित के खाते में वापिस कराए रुपये। और ये सोर्स बताया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ब्लन टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, ETV भारत, हिंदुस्तान समाचार, इन सब से पता लगा है ये सोर्स वगैरह ये टास्क हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको 2023 के मेन जो जितने भी हुए हैं साइबर फ्रॉड सब बता दिए हैं आपको। तो आशा है आप सब इससे जागरूक होंगे। थैंक यू।